ऑनलाइन कोर्स और डिजाइनिंग ई रिसोर्सेज में सबका स्वागत है। हम लोग एक कोर्स कंटेंट में एक नज़र डालें। मैनेजिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप कितना कंटेंट प्रिपेयर करते हैं सबको मैनेज करके ऑनलाइन में डालना है, इसलिए उसको फाइल्स और फोल्डर्स को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। फिर हम लोग एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कैसे प्रिपेयर करेंगे नरेशन के साथ, और उसको कैसे वीडियो में बदलें, और फिर वो वीडियो को YouTube में कैसे अपलोड करें तो सबको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। फिर हम लोग एक ऑनलाइन क्विज कैसे प्रिपेयर करें वो भी देखेंगे, और इंटरैक्टिव वर्कशीट्स वो फ्री ओपन सॉफ्टवेयर का थ्रू कैसे करेंगे वो भी देखेंगे। इसके बाद आपने कितना मटेरियल प्रिपेयर किया उसको कैसे स्टोर करें और बच्चों के साथ उसको कैसे शेयर करें। इसके बाद ये आपने कितना मटेरियल प्रिपेयर किया उसको एक ब्लॉगर का थ्रू हम लोग ऑनलाइन में सबको दे देंगे। मैंने ये मैनेज और फाइल्स और फोल्डर्स के बारे में पहले ये वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो बनाने के लिए मैं विंडोज 10 यूज़ कर रहा हूँ, फिर भी हाउ टू ओपन ये फोल्डर, फोल्डर कैसे खोलें, हाउ टू ओपन सब फोल्डर, सब फोल्डर कैसे खोलें, देन ये फोल्डर के अंदर फाइल कैसे खोलें वो देखेंगे। ये वीडियो बनाने के लिए मैं विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम और एमएस ऑफिस वोमन शोल्डर 2016 को यूज़ किया हूँ, दोनों लाइसेंस वर्जन है। और ये स्क्रीन रिकॉर्डर के लिए एक फ्री ओपन सोर्स रिकॉर्डर सॉफ्टवेयर को यूज़ किया। अभी हम लोग स्टार्ट कर लें। अब पहले स्टार्ट करने के पहले आपका डेस्कटॉप और लैपटॉप के बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी चाहिए, क्योंकि कभी कभी आपने कुछ सॉफ्टवेयर को इंटरनेट से डाउनलोड करेंगे करने के समय पर आपका कंप्यूटर के बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी चाहिए। ये दिस पीसी करके एक आइकन होगा डेस्कटॉप में, ये डेस्कटॉप बोलते हैं। डेस्कटॉप में दिस पीसी और दिस कंप्यूटर करके एक आइकन होगा, उसको राइट क्लिक कर दीजिए, करके प्रॉपर्टीज को खोलिए। खोलने से आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट योर कंप्यूटर खोलेगा। उसमें आपने ये सिस्टम टाइप थोड़ा नोट कर लीजिए। ये मेरा सिस्टम 64-bit लिखा है, आपका डेस्कटॉप कभी भी 32 हो सकता है और 64 भी हो सकता है, ये थोड़ा नोट कर लीजिए, क्योंकि आपने कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के समय पर 32-bit और 64-bit के लिए अलग अलग एग्जीक्यूटिव फाइल होता है, इसलिए आपको लोड करने के समय पर प्रॉब्लम नहीं होना है। इसलिए आपका सिस्टम का टाइप थोड़ा नोट करके रख लें, ठीक है। हम लोग अभी कैसे फोल्डर खोलना है करके देखेंगे। अभी उसमें एक रूल है, आपने कोई भी फोल्डर डेस्कटॉप में खोलना नहीं है। अपने यही डेस्कटॉप है ना, ये डेस्कटॉप में आपको कोई भी फोल्डर और कोई भी डॉक्यूमेंट खोलना नहीं, क्योंकि डेस्कटॉप में आप इतना खोलते हैं ये सेफ नहीं है, और ये कंप्यूटर भी स्लो हो सकता है। इसलिए आपने आपका कोई भी फोल्डर है जिसमें आप काम करने वाले हो उसको डेस्कटॉप में खोलना नहीं है, ठीक है। फिर कहाँ खोलें, फिर हम लोग दिस पीसी को खोलेंगे और माई कंप्यूटर को खोलेंगे। फिर आपको इतना ड्राइव दिखाई दे रहा है सी डी ई एफ, फिर आपका कंप्यूटर में सिर्फ सी एन डी हो सकता है और सी डी ई हो सकता है और सी डी ई एफ हो सकता है। आपका कंप्यूटर को कैसे आपने तो डिवाइड किया है ये ड्राइव को, उसके ऊपर ये डिपेंड है। अभी आपने तो सी देख रहे हैं, इसको भी टच नहीं करने का, क्योंकि सी में ऑपरेटिंग सिस्टम का फाइल्स होता है, उसमें भी आपने फोल्डर खोलना नहीं है। इसलिए आपको मैंने बोल दिया दो जगह पर खोलना नहीं है, एक है डेस्कटॉप में, दूसरा सी ड्राइव में। मैं इधर रिकवरी करके एक है मेरा लैपटॉप में, मैंने उसमें भी नहीं खोलूँगा, क्योंकि इसमें रिकवरी फाइल्स बैठा है फोल्ड, इसलिए वो मैं उसको भी टच नहीं करूँगा, ये पर्सनल को मैंने टच करूँगा। इसको खोलिए, ये आपका में सी डी हो सकता है, ई हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसमें मैंने एक नया फोल्डर खोलने वाला हूँ, ऊपर आप देख रहे हैं न्यू फोल्डर, उसको क्लिक करने से भी एक नया फोल्डर खोल जाएगा, और अदरवाइज आपको राइट क्लिक करके न्यू में जाके और एक फोल्डर को भी क्लिक करना, करने से तुरंत आपका नीचे न्यू फोल्डर करके का आ रहा है। आपने पहले ये कोर्स के लिए कोई भी क्लास सेलेक्ट कर लीजिए, उसमें कोई भी टॉपिक सेलेक्ट कर लीजिए, उसमें आपने आपका पूरा ई रिसोर्सेस करते चलने का है। इसलिए मान लीजिए मैंने आपको क्लास यही ले रहा हूँ,
क्लास एट को टाइप टाइप करके मैंने इसको क्लिक कर दिया। अभी क्लास एट का मैंने एक फोल्डर खोल दिया, कहाँ खोला है, दिस पीसी में, पर्सनल ई में क्लास एट खोल दिया। मान लीजिए आपने ये कोई भी आप मटेरियल आपने इसमें प्रिपेयर करता है, इसको बच्चों के साथ शेयर करने वाले हैं, इसलिए आपको अलग अलग फोल्डर होने से कुछ फोल्डर बच्चों को दे सकते हैं, दूसरा देने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। उसका नाम है सब फोल्डर बोलते हैं, फोल्डर के अंदर फोल्डर आप बना सकते हैं। आप इसके लिए भी न्यू फोल्डर ले लीजिए और अदरवाइज राइट क्लिक करके न्यू करके एक फोल्डर ले लीजिए। इसमें आपने पूरा पावर पॉइंट्स डाल दीजिए, ठीक है, और आपको अगेन न्यू फोल्डर को आप इसमें एमएस वर्ड डाल दीजिए, और आपको कुछ भी वीडियो आपने तो ले रहे हो, वीडियोस इसमें डाल दीजिए। अभी बच्चों को आपने कुछ भी क्विज क्वेश्चंस, ओके, तो क्वेश्चंस एंड असेसमेंट्स असाइनमेंट्स ठीक है। अभी देख लीजिए आपको पूरा वर्ड फाइल इसमें आ जाएगा, पावर पॉइंट इसमें आ जाएगा, क्वेश्चन एंड असाइनमेंट इसमें आ जाएगा, वीडियो इधर आ जाएगा। बच्चों को आप देना चाहते हैं, मान लो एमएस वर्ड पावर पॉइंट वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं, ये पूरा फोल्डर को क्लास एट फोल्डर को शेयर करने का जरूरत नहीं पड़ता। अभी हम लोग ये वीडियो में देखेंगे एमएस वर्ड में एक वर्ड फाइल कैसे खोलेंगे और वो वर्ड फाइल को कैसे फॉर्मेट करेंगे। मैं एमएस वर्ड को ओपन कर रहा हूँ, मैंने इसमें एक राइट क्लिक करके न्यू में एक एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट, फिर मैं बता रहा हूँ आपको राइट क्लिक न्यू में जा करके एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट एक वर्ड ओपन हो जाएगा। मान लीजिए आपने बच्चों को कोई भी टॉपिक के ऊपर देना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल माई कंट्री, इसके बारे में आप देना चाहते हैं, मैं इसको खोल रहा हूँ, ठीक है। अब मान लीजिए कोई भी वर्ड फाइल खोलेगा, एक डिफॉल्टर सेटिंग्स होता है, वो सेटिंग्स के ऊपर ही वो खोलेगा। आपने कुछ भी इसमें टाइप करते हैं, देखिए आप टाइप कर रहे हैं, क्या हो रहा है, आपको बहुत स्पेस मिल रहा है ना, ये स्पेस को कैसे दूर करें, इसलिए पहले ही आपको ये काम करना पड़ेगा। इधर आप देख रहे हैं ना, इसमें नॉर्मल है ना, इसको नो स्पेसिंग को क्लिक कर दीजिए। क्लिक करके अभी टाइप करके देख लीजिए, अभी आपको स्पेस नहीं आ रहा है, इसलिए आपने पहले क्या करने का, तुरंत खोलने से ये नो स्पेसिंग को क्लिक करके रखना है, ये टिल आप पूरा काम करने तक तक ये तो नो स्पेसिंग ही रहेगा। फिर इधर आपको 11 है, उसको आपने 14 कर सकता है और 12 कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये तो आपको लेआउट में जाने से आपका साइज़ दिखाई देगा, ये साइज़ हमेशा तो A4 होता है, A4 पेपर होता है, और मार्जिन जो है हमेशा नॉर्मल होता है। आपको थोड़ा ज़्यादा चाहिए तो इसको नैरो भी बना सकते हैं, ठीक है। मैंने अभी कुछ भी टाइप कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने इसको टाइप कर दिया। मान लीजिए आपने इसको बोल्ड करना चाह रहे हैं, इसको करके इधर होम में जा करके इसको बोल्ड कर सकते हैं। इसको आप अंडरलाइन करना चाहते हैं तो आपको इसको भी आपने अंडरलाइन कर सकते हैं, ठीक है। अभी एक चीज़ मैंने आपको बता दूंगा, मान लीजिए आपने कुछ भी इसमें तस्वीर डालना चाहते हैं, उसको क्या करने का है, मैं आपको वेबसाइट में, चलिए वेबसाइट में जा करके गूगल में जा करके आप कोई भी इमेज का टाइप कर लीजिए। फॉर एग्जांपल आपने इंडिया का बारे में तो बता रहे हो, इंडिया मैप करके आपने तो टाइप कर लीजिए, ये खोलेगा, इसमें तो इमेजेस ले लीजिए, कोई भी इमेजेस है, ये तो अच्छा इमेज थोड़ा ले लीजिए, ये वाला ले लीजिए, इसको राइट क्लिक करके आपका तो इधर कॉपी इमेज कर लीजिए, फिर इसमें वर्ड में आ करके उसको पेस्ट कर लीजिए, ठीक है। आपने कोई भी तस्वीर बच्चों को दिखाना चाहता है, मान लीजिए तो मेन प्रॉब्लम वर्ड में है, इसको आपने मूव करना बहुत मुश्किल है, मूव नहीं होगा क्योंकि ये इमेज है, ये इमेज को आपने थोड़ा छोटा कर सकते हैं, ठीक है, अब ऐसे वाला छोटा कर सकते हैं। मैं आपको तो इधर आपने मूव करना चाहते हैं, मैं इसको भी आपको तरीका बता दूंगा। आप एक काम कर लीजिए, इसको ऊपर आप देख रहे हैं ना, ये मेनू है, ये मेनू बार है, मान लीजिए आपने इसको मैं क्लिक करता हूँ, एक मेनू ओपन हो रहा है, देखिए फिर एक बार दिखा रहा हूँ, मैंने एक्रोबैट का नज़दीक देख लीजिए, इधर इसको क्लिक कर रहा हूँ, एक ओपन हो रहा है ना, वो फॉर्मेट है, उसको क्लिक करके रैप टेक्स्ट में चलिए, उसको टाइट करिए, करके बाहर आइए, अभी देखिए मूव होगा, ठीक है। आपको कोई भी तस्वीर आपने डाल दिया वर्ड में, उसको मूव करने का यही तरीका है।
अपने कोई भी टाइप करते जा रहे हैं, हमेशा सेव करते चलिए, ठीक है। अभी हमेशा क्या होता है, कोई भी आपको बच्चों को डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं, वो डॉक्यूमेंट वर्ड में देने से तकलीफ कभी कभी होगा, इसलिए मैं आपको बताता हूँ बच्चों को कैसे देने का है। बहुत तरीका है इसमें, तो बेटर तरीका है इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना, वो बहुत आसान है। कोई भी एमएस वर्ड होता है उसमें डायरेक्टली आजकल आ गया है, फिर भी मैंने एक डायरेक्ट तरीका आपको बता देता हूँ। फाइल में चलिए, आपको पूरा काम ख़त्म होने के बाद फाइल में चलिए, आपने सेवस में चलिए, मैं कहाँ पर हूँ, मैंने एमएस वर्ड क्लास 8 में हूँ, वो फोल्डर को थोड़ा सेलेक्ट कर दीजिए, इसमें ये सेवस टाइप है ना वर्ड डॉक्यूमेंट है, इसमें आपने एक पीडीएफ को सेलेक्ट करके आपने सेम नाम है तो नाम भी बदल सकते हो, इसमें सेव कर लीजिए। मैंने अभी वो थोड़ा बन रहा है, पीडीएफ फाइल बन रहा है, ये पीडीएफ फाइल बन गया कि नहीं हम देखेंगे। देखिए एक पीडीएफ फाइल बन गया, माई कंट्री बन गया। अभी आपने कोई भी बच्चों को देना चाहते हैं, आप कोई भी वर्ड में टाइप करके उसको पीडीएफ में चेंज करके बच्चों को दे सकते हैं। इसमें एक एडवांटेज क्या है, ये पीडीएफ आपने मोबाइल में भी भेज सकते हैं, बच्चे लोग व्हाट्सएप में भी देख सकते हैं इसको। ओके, अभी हम लोग क्या क्या देखा, अभी आपने तो एक बार एक विचार डालिए, हम लोग क्या क्या देखे अभी। हम लोग एक फोल्डर ओपन करना कैसे सीखा, सब फोल्डर्स भी सीखे, देन इसके अंदर एक एमएस वर्ड का फाइल कैसे खोलें, फिर वर्ड फाइल में कैसे उसको पहले उसका मार्जिन वगैरह कैसे देख लें, देखने के बाद नो स्पेसिंग कैसे करें, इसके बाद उसमें कुछ टाइप करें करके उसको बोल्ड और अंडरलाइन करें, इसके बाद उसमें कोई भी पिक्चर पेस्ट करके वो पिक्चर को कैसे मूविंग करें। और आपने एक असाइनमेंट ले लीजिए, ओपन ये फोल्डर फॉर द क्लास सेलेक्टेड बाय यू, आपने आपका कोई भी क्लास सेलेक्ट किया उसमें एक फोल्डर ओपन करिए, उसमें सब फोल्डर ओपन कर दीजिए, कुछ भी सब फोल्डर ओपन कर दीजिए, और ओपन एक वर्ड फाइल ओपन कर दीजिए, ओपन ये वर्ड फाइल ऑन द टॉपिक सेलेक्टेड बाय यू, आपने ई रिसोर्सेज के लिए क्या करना चाह रहे हैं उसके लिए एक वर्ड फाइल ओपन करके वर्ड फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट करके देख लीजिए, ठीक है, धन्यवाद। और आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे वाला देखेंगे।